मेरे को आजा आजा कहते तुम्हें कॉल करके आती है पोटी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं और अम्मी भी बिल्कुल ठीक है। अम्मी ठीक हो ना? ठीक अम्मी, देखा मुझसे भी प्यार लग रही है ना। ये देखो मैं किधर आया होया हूँ। ये क्या हो रहा है? कराची में एक दफ़ा कपड़ा नहीं धोया तुमने, वो भी वॉशिंग मशीन के बगैर। ये गांव में अब ये नौबत आ गई है कि तुम वॉशिंग मशीन के बगैर धो रहे हो, ये क्या हो रहा है? तो जैसे आप लोग को पता है कि अम्मी का ऑपरेशन सक्सेसफुली हो चुका है, तो मैंने सोचा अम्मी के लिए थोड़ा सा कुछ करूँ, क्योंकि अम्मी को मतलब वैसे सेलिब्रेशन बहुत पसंद है, हमेशा हमने अपने लिए की है या फिर दिल भर की सबके होते हैं, लेकिन अम्मी का आज तक किसी ने भी नहीं, क्योंकि अम्मी का ऑपरेट हुआ थोड़ा मतलब अकेला अकेला फील कर रही हैं। तो मैंने कहा क्यों ना कुछ इनके लिए किया जाए, तो मैं आज उनके लिए थोड़ा सा सेलिब्रेशन जितना मुझसे हो सकेगा और मैं करने जा रही हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। माम नदीम सोए हुए हैं और ये अम्मी सोई भी है। माम नदीम अम्मी का ख्याल रखते हैं बहुत ज़्यादा, है ना। हाँ अम्मी मैं जा जू, मैं दही भले खा के जल्दी रहूँगा, ठीक है। अम्मी आप पे ये कलर बहुत सूट कर रहा है, हाँ प्यारा है। चलो शाहरुख पहले हम लोग यहाँ पर जा रहे हैं, मुझे देखना है अम्मी के लिए केक। और यहाँ पर पहले भी मैंने यहाँ पे दो तीन बार आई हूँ, तो यहाँ पे केक होते हैं। कहाँ गए अभी? शायद यहाँ पर है फिलहाल। हाँ ये रहे सारे केक और बस यही कुछ डिज़ाइन है और नहीं है, खैर इनमें से कोई एक देख लेते हैं। अच्छा एक ये वाइट है और एक ग्रीन है। अम्मी ने आज ग्रीन कपड़े पहने, तो मैं सोच रही हूँ ग्रीन वाले, ठीक है। अच्छा है ना ग्रीन वाला? चलो भाई ये ग्रीन वाले के प्राइस क्या है? 720 का कुछ इसका लगेगा, 20% डिस्काउंट। मुझे एक कैंडल भी चाहिए। कैंडल ये पर है। हाँ चलिए, हमने एक स्प्रे बॉटल, एक कैंडल ले ली है और एक वो केक हो गया, तो ये हम ले लेंगे अम्मी के लिए। और ये ले लिया अम्मी के लिए, तो बस अभी हम लोग घर जा रहे हैं और अम्मी करेंगे सरप्राइज। उसको बस केक खाना चाहिए, तुम के तुम्हें केक खाना नहीं है। इसके पर नहीं 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 गंदी। ये मेरा फेस पाउडर लेके तो ये कर रहा है क्या, शेव कर रहा है। इसकी कुर्सी कोई भी नहीं है। बोल रहे हैं कि काफी सारी चीजें हैं, तो ठीक है मैंने कहा यहाँ पर ये चीज भी दिखा दूं, मत पूरा आप लोगों को पूरा दिखा दूं, ताकि जब आप लोग आओ तो यहाँ पे घूम सको। वैसे ये अच्छा है ना, बहुत खूबसूरत है, यहाँ पे पार्क भी है और रोकना है। अच्छा तो मेरे साथ आमना भी आई है। हम लोग एंटर हो चुके हैं यहाँ के छोटे से पार्क के अंदर और यहाँ पे देखने कितने स्विंग्स हैं। मैं आमना को झूला खिलाऊंगी, अगर खुद भी खा सके तो खुद भी खा लूँगा। इसके साथ जाके मैंने ऐसे करके पिक्चर बनवानी है, बस सोच लिया मैंने। आमना बैठना है ना, अब वहाँ चल जाओ, वो जगह खाली होगी। अच्छा उसको रहने दो फिर, आमना वो पीछे भी है, वो देखो उसे बैठना है। अच्छा एक स्विंग ये भी है, चलो चलो ये देखो, इन दोनों को देखो सर। वैसे अच्छा लग रहा है यहाँ पे,
मेरा भी दिल कर रहा है बैठने का, लेकिन मैं इतना बड़ा आदमी हूँ, मैं नहीं बैठ सकता यहाँ पे। चलो तुम्हें बैठना। क्या हुआ? ये कह रही है तुम भी बैठो, तुम इतनी बड़ी नहीं हो, देखो जरा मैं इतनी बड़ी हूँ। अब ना यहाँ से स्विंग लेना, आ जाओ यहाँ से झूला करके आ जाओ, चलो जल्दी से चढ़ जाओ, हाँ जल्दी से जो इधर से आ जाओ चलो। और ये देखो निकल कर भी आ गई, जल्दी से आ जाओ नीचे आ जाओ। ये आमना को लेकर आने का फायदा, उसको जरूर खा लिए। और वहाँ देखो छोटे से बच्चे कैसे खेल ले। अब मैं करता हूँ, छोटा वाला बच्चा जा रहा है, ये देखो जरा। ये क्या, हाँ ये अब मैं करने जा रही हूँ। इसके पर रोज लटका करो, तुम लंबी हो जाओगी। शाहरुख ट्राई करके, इसको लगता है ये बहुत ज्यादा बड़ा है, जा सकते हो तुम, कर सकते। ये देखो इसकी जड़ें खोखली हैं, आ जाओ। और ये सबसे बड़ा वो है, स्लाइड है। और यहाँ पर जो है वो परिंदों का घर है, और अगर आप लोगों को क्लियर दिख रहा है तो इस कबूतर की चोंच। और यहाँ के जो है ना बहुत अलग अलग तरीके के ना यहाँ पे जानवर बहुत प्यारे। और ये जो है ये मेरा और शाहरुख का घर है, और इसमें हम सब रहते हैं, दिलबर, बाबर, मैं, सितारा, ओजी, दद्दा, सब रहते हैं यहाँ पे, आयूरा और मुस्तफ़ा और तैयबा सब यहाँ पे रहते हैं। अच्छा आमना को हम लोग यहाँ बिठाने वाले, ये बहुत फनी लग रहा है, तो मैं आमना को यहाँ भेज देती हूँ। छोटा सा इसपे से आ जाओ, आ जाओ आ जाओ, और छोड़ दो। आ जाओ आ जाओ, मैं पकड़ लूंगा यहाँ से, आ जाओ। डर के आगे जीत है, आ जाओ। हाँ पहले इसको जाने दो, फिर तो लोग ना मुझे काफ़ी दिनों से मैसेज कर रहे थे कि मैं आप लोगों से शेयर करूँ मेरी और शाहरुख की लव स्टोरी। शाहरुख यहाँ पर आया, उसको वॉशरूम जाना था, तो खैर वो वॉशरूम चला गया। और ये मैंने कुछ गले में नहीं पहना हुआ, ये मैंने पा लिया कीड़ियों के, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। इतनी पैर से जगह पर आया मैं, तो मैंने कहा यहीं पर शेयर कर दूँगी। अच्छा तो हमारी लव स्टोरी कुछ खास नहीं है, और ख़ास कहूँ तो वैसे खास है, बहुत खास है। तो वो इसलिए कि जब मैं आमना के जितने थी, मैं शाहरुख के पास पढ़ती थी, और हमारा मतलब ऐसा हो रहा है कि हम लोग चाइल्डहुड फ्रेंड। और ये रहा शाहरुख, कहाँ जा रहे हो? शाहरुख को वॉशरूम नहीं मिला, इसको वॉशरूम जाना है, और ये इधर ही ऐसा बैठ गया। इसको इसका बहुत मसला होता है वॉशरूम जाने का। मैंने इसको बोला घर से, भाई बंदा क्लियर होके सब कुछ सही करके आता है, कहते तुम्हें कॉल करके आती है पोटी। सही कहा, वैसे कॉल करके तो किसी को भी नहीं आती। अच्छा तो हमारी स्टोरी कुछ यूँ कि मेरे अबू और शाहरुख के अबू फ्रेंड्स थे, वैसे तो हम लोग रिलेटिव्स भी हैं, रिलेटिव नहीं। अच्छा तो वैसे तो हम लोग रिलेटिव्स भी हैं, और मेरे और शाहरुख के अबू बेस्ट फ्रेंड थे, मतलब हम लोग रिश्तेदारों में, तो वो लोग हमेशा उनका आना जाना बहुत होता, और पता नहीं यहाँ पे क्या लग जाता है। खैर शाहरुख इधर इंटरेस्ट दिखाओ, मेरी लव स्टोरी की बात हो रही है, ठीक है। तो उसमें हुआ यूँ कि जब मैं छोटी थी, तो मैं शाहरुख के घर मतलब आना जाना हमारा बहुत था, तो मैं इसके पास कंप्यूटर था, इसमें ये गेम खेलता था, तो वो मैं इसके साथ बैठ के तो बहुत ज़्यादा मतलब खेलती थी वो गेम्स वगैरह ना। लेकिन मेरा इसकी तरफ कोई ऐसा वैसा टेंशन नहीं, बिल्कुल भी ऐसा टेंशन मेरा कोई भी नहीं था। खैर ऐसे ऐसे बड़े होते गए, तो फिर जब मैं 14 साल की हुई, तो इस टाइम मुझे पढ़ाने आया, तो इसने उस टाइम मुझे जाके प्रपोज़ किया, जब मुझे पढ़ाने आया था, इसने अपनी अम्मी को भी कहा था कि मुझे इससे शादी करनी है, तो इसके अम्मी ने मेरे घर में भी बात की थी, फिर पता नहीं घर वालों ने, मैंने मना कर दी थी, क्योंकि मुझे अभी शादी नहीं करनी। और फिलहाल मतलब उस टाइम मेरा ये माइंड नहीं था। शाहरुख इधर, जैसे लगता है शाहरुख की नहीं कि हम दोनों की नहीं किसी और की स्टोरी सुना रही हूँ।
तो फिर ये हुआ कि ना उसके बाद फिर मतलब इसका दिल मुझसे उठ गया। उसके बाद फिर वो दूसरी लड़की आई थी, सारे से इसका अटैचमेंट हो गई। और लेकिन वो उसको पसंद करती थी, वो तो उसके पीछे घर भी छोड़कर आ गई थी, लेकिन नहीं हो सकी शादी। वो भी मतलब किस्मत में था, उसके अम्मी अबू नहीं माने और इसकी तरफ से मैं नहीं मानी थी। फिर लेकिन बाद में आखिर हम दोनों को मिला था, क्योंकि हम दोनों बचपन से एक दूसरे के साथ है। तो एंड में ये हो गया कि हम दोनों की शादी होगी। दिलबर बाबर ने अब जाके पूछा तो मैंने मतलब बोला हाँ, मैंने बोला हाँ ठीक है। तो बाबर को तो पता था कि मुझे पढ़ा देता, तो मैं इसको मतलब एज अ फ्रेंड मैं इसको अच्छा लगता था। और मतलब ये नहीं था कि मतलब मैं इससे हाँ शादी करूँ, लेकिन अब शादी हो गई है तो मुझे अब इसके अलावा कोई अच्छा ही नहीं लगता। मैं कहती बस इसके साथ ही रहूँ। और शायद तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस है शादी के बाद में सर? अच्छा, जैसे कि मतलब तुम्हारा क्या दिल करता है कि मतलब तुम मेरे साथ रहो कि ना रहो? ऐसे क्यों बोला रहा हो, क्यों ऐसे बोला? मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती क्या? मैं तुम्हें अच्छी लगती नहीं लगती? मोटी है तू। ओए इशारों को पता है कौन सा सॉन्ग अच्छा लगता है? इशारों कहता है कि मुझे ये सॉन्ग ना, ओए मोटी तेरे जैसा ना कोई इस दुनिया में, ओए मोटी, इसको अच्छा लगता है। तो ये थी हमारी छोटी सी लव स्टोरी, और अब क्या आप लोग को देखने को मिलती है। वैसे हम लोग लड़ते भी हैं और बस फिर मान जाते हैं खुद ही। हम लोग लड़ते हैं 3 घंटे के लिए, हम लोग गुस्सा रहते हैं, उसके बाद खुद ये मना लेते हैं। या फिर मैं तो कभी नहीं, पहले शुरू में मैं मनाती थी, और अब ये मुझे मनाता है, अब ये मुझसे प्यार करता है ना। शाहरुख शाहरुख तुमने मुँह इतना गंदा क्यों बनाया? मैंने कब मनाया? मैं आप लोगों को बताती हूँ इसका मसला क्या, इसको वॉशरूम जाना, जिसकी वजह से इसका मुँह ऐसा होना। चलो ठीक है, चलते 2 मिनट तुम्हारे लिए स्पेस हो गया आज, छोड़ो। यहाँ पर हम बैठेंगे जब तक तो मैं वॉशरूम नहीं आता, बैठो यहीं पे बैठेंगे। चलो आज चले, हम ना लगाने लगे हैं रेस, मैं और हम ना भाग कर जाएंगे। और जहाँ तक तुम्हारा दिल कर शाहरुख, वहाँ तक अपनी बाइक ले जाओ। तो ये लोग लगाने लगे हैं रेस, ये स्टार्ट हो गई इनकी रेस। अरे आमना जीत गई है, आमना जीत गई है, ये मोटा हार गया। ये जीत गई है, मजा आया। यहाँ से लेने आए अम्मी के लिए गाजर का जूस, और क्या कहते हैं उसको, क्योंकि अम्मी को पीते हैं गाजर, और उसका लेंगे हम चुकंदर का मिक्स रखे हुए थे और गर्म पीती है अम्मी। क्योंकि डॉक्टर को गाजर और क्या कहते हैं सेब का जूस बोला है। तेरे क्या देख रहा है ये लड़का? मेरा अंकुर टाइगर देखो खड़ा कैसे था। अच्छा आज का ब्लॉग जी मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और मैं मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए, तब तक के लिए क्या, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़, यू करो अल्लाह हाफिज़।